नमस्कार। राजस्थान की चार राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनावों से पहले चल रही बाड़ेबंदी में करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। जहां कांग्रेस ने उदयपुर में एक आलीशान ताज अरावली नमक होटल में 150 कमरे 7 दिनों के लिए बुक कराए हैं, वहीं भाजपा ने जयपुर आगरा रोड स्थित होटल देवी रतन में 62 कमरे 4 दिन के लिए बुक कराए हैं। कांग्रेस द्वारा 2 जून से 8 जून तक उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए होटल पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अरावली ताज में 150 कमरे जो बुक कराए गए हैं, यहां प्रत्येक विधायक को अलग अलग कमरे में रखा गया है। यहां प्रतिदिन खाने व रहने का खर्च करीब 20,000 रुपए बताया जा रहा है। इसमें करीब रोज का खर्च 30 लाख रुपए बाड़ेबंदी में खर्च किया जा रहा है। इसे 7 दिन का खर्च करीब 2,10,00,000 रुपए आएगा। इसके अलावा आने जाने से लेकर गाड़ी घोड़ों पर अलग से खर्च किया जा रहा है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो प्रशिक्षण शिविर के नाम पर जयपुर आगरा रोड पर होटल देवी रतन में 62 कमरे 4 दिन के लिए बुक किए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ विधायकों को अकेले और अन्य 2-2 विधायकों को 1-1 कमरे में रोका गया है। यहां भी प्रति व्यक्ति रहने और खाने पीने के खर्च की अगर बात करें तो करीब 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति यहां औसतन खर्चा आता है। इसमें रोजाना का करीब 9 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आ रहा है। कुल मिलाकर भाजपा की बाड़ेबंदी में भी करीब 37 लाख रुपए होटल के नाम पर और 13 लाख रुपए अन्य खर्चों सहित करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए फूंक कर यहाँ 5-स्टार होटलों में विधायकों का मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ शाम को अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए विधायक 5-स्टार होटलों में स्विमिंग पूल का भी पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ विधायकों पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या इसके बाद भी क्रॉस वोटिंग की संभावना है। इस बात का खतरा कांग्रेस को अभी भी बना हुआ है। कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। कांग्रेस भले ही 3 सीट जीतने के दावे कर रही हो, लेकिन भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने भी अपनी जीत के दावे ठोक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। जहां कांग्रेस अपनी गिनती 126 विधायकों के होने का दावा कर रही है, वहीं सुभाष चंद्रा के क्रॉस वोटिंग के दावों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 40 से ज्यादा विधायकों के फोन टेप किए जा रहे हैं। सुभाष चंद्रा ने यह भी बताया कि भाजपा के पास अपने 30 विधायक हैं, जबकि आरएलपी व अन्यों को मिलाकर 9 वोट हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 8 विधायक क्रॉस वोटिंग भी करेंगे, जिससे उनका राज्यसभा में जाना सुनिश्चित है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.